हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शान और मेरा चैनल डिफरेंट ज्ञान पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप सीएससी में अपना अकाउंट रजिस्टर कर नहीं पा रहे हो और सीएससी का आईडी नहीं मिल रहा है तो आप गवर्नमेंट के डिजिटल इंडिया पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करके काफ़ी सारे लाभ उठा सकते हो। तो डिजिटल इंडिया पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने की तरीका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। आप मेरा इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर आप क्लिक कीजिए कि आप डायरेक्ट डिजिटल इंडिया पोर्टल के ऑफिशियल वेब पेज पर चले आओगे, जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। मैं उसी वेब पोर्टल पे हूँ। फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले इस पोर्टल से आप क्या क्या लाभ उठा सकते हो, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं पहले। फ्रेंड्स, ओपन होने के बाद आप स्क्रॉल कीजिएगा। स्क्रॉल करने के बाद नीचे आप देखिएगा सर्विसेज, वॉच वीडियो फॉर ट्रेनिंग। आप ट्रेनिंग की, गवर्नमेंट ट्रेनिंग की कोई भी वीडियो आप यहाँ से देख सकते हो। मोबाइल एंड डिटेल्स रिचार्ज इस पोर्टल से आप कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर सकते हो। ITR इनकम टैक्स रिटर्न भी आप यहाँ से इस पोर्टल से आप कर सकते हो। GST मनी ट्रांसफर, डिजिटल सिग्नेचर, व्हीकल इंश्योरेंस, पासपोर्ट की अप्लाई यहाँ से कर सकते हो। व्हीकल इंश्योरेंस यहाँ से दे सकते हो। उसके बाद वोटर आईडी कार्ड यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हो, कलेक्शन भी कर सकते हो और यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। शॉपिंग पोर्टल, जॉब पोर्टल, UTI, ये सब सर्विस इस पोर्टल से आप लाभ कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस हुआ तो आप ईमेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ है, इस ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हो। एंड टेक्निकल सपोर्ट के लिए आप यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, फोन नंबर दिया हुआ है, इस फोन नंबर पे आप फोन करके आपका प्रॉब्लम की सोल्यूशन जान सकते हो। चलिए फ्रेंड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कैसे किया जाता है इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। आप सबसे ऊपर देखिए, यहाँ पे राइट कॉर्नर पे 3 डॉट लाइन है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंचाइजी रजिस्ट्रेशन, इस पर आप क्लिक कीजिए। फिर आप स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट फ्रेंचाइजी फॉर्म विथ रजिस्टर, यहाँ पे नेम लिखा है, एंटर योर नेम, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, स्टेट, कंट्री, रिटेलर शॉप नेम एंड करंट बिजनेस, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर। देने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। मैं ये सब फिलअप कर लेता हूँ, आप देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, ये सब फिलअप करने के बाद आप नीचे सबमिट बटन में, सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। फ्रेंड, सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विथ अस, योर यूजर आईडी ये एंड पासवर्ड ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आप लॉग इन कर दीजिए यूजर आईडी एंड पासवर्ड से। उसके बाद आप इस पोर्टल से काफी सारे लाभ उठाइए। ओके फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा एंड मिस मेरा ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह का डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियो मिल सके। जय हिंद फ्रेंड्स।